हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस नई वीडियो में आपको केस लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं कि दोस्तों इस एप्लीकेशन से हम कैसे लोन ले सकते हैं और दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है रियल है या फेक, यानी कि दोस्तों यहां से हमारे को लोन देगा या नहीं देगा और देगा तो भी कैसे देगा, तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आज का लाइक हम रखते हैं 50 लाइक का। मुझे उम्मीद है आप 50 लाइक तो जल्दी ही कंप्लीट जरूर करोगे। और दोस्तों अगर आपको रियल ऐप से लोन लेना है, यानी कि दोस्तों कभी कभी मैं अपने पर्सनल यूज के लिए लोन लेता हूँ और उस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वो एप्लीकेशन जो है इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही कम लगाता है और दोस्तों पूरी सेफ्टी के साथ लोन देता है। तो अगर आपको लेना है तो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में। और अब बात करते हैं दोस्तों इस केस लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों इसको हम ओपन करते थे, ऐसे ओपन हो जाती है और यहाँ पर सबसे पहले हमारे को अपना मोबाइल नंबर और OTP डालकर यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर हम दोस्तों जैसे वेरीफाई करते हैं तो लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और जितने लोन की एलिजिबिलिटी हमारे को होती है वो यहाँ पर मिलती है, वो देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर हमारे को लोन लेने के लिए गेट मनी पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे को फिल करना होता है। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो 25% डाटा हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। और दोस्तों बाद में KYC कंप्लीट करने को कहेगा, वर्क इन्फॉर्मेशन डालने को कहेगा, बैंक इन्फॉर्मेशन डालने को कहेगा, यानी कि पूरा का पूरा डाटा यहाँ से हमारे को फिल करना होता है गेट मनी पर क्लिक करके। यहाँ पर हम जैसे ही डाटा फिल कर देते हैं तो ये लोन है वो हमारा अप्रूव हो जाता है। और दोस्तों अब इसकी रियलिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे को लोन लेना सही है या नहीं सही है और मिलेगा या नहीं मिलेगा डाटा फिल करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हम लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमारे को लोन नहीं मिलता है, यहाँ पर हमारे से डाटा ले लिया जाता है। और दोस्तों मिलता है तो भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही ज़्यादा लगेगा और दोस्तों वापस रिटर्न हमारे को लोन का डबल भरना पड़ेगा, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे साथ है वो धोखा होने वाला है। और अगर यहाँ पर हम डाटा अपना पूरा फिल कर देते हैं तो दोस्तों ये बाद में एप्लीकेशन वाला हमारे को ब्लैकमेल करता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो आपको ना ही तो इस एप्लीकेशन में अपना डाटा डालना है और ना ही इसमें लोन लेने का ट्राई करना है, क्योंकि दोस्तों एप्लीकेशन जो है 100% फेक है, यहाँ से हमारे साथ है वो धोखा हो सकता है। और अगर आपको रियल एक्ट लोन लेना है तो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो आप उसे जरूर विजिट करना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।